मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें यह सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के चरणों में प्रभु की उन बातों को देख सकें जो प्रभु ने अपने वचन में लिखी है। और जैसा प्रभु का आना महज एक आकस्मिक घटना नहीं, अचानक घटने वाली कोई घटना नहीं, वो पृथ्वी के आरंभ से डिसाइड। और इसीलिए जब पृथ्वी आरंभ हुई तो परमेश्वर ने उन बातों को प्रकट करना शुरू किया। और मूसा का तंबू विशेष करके हम उसके भी हिस्से में देख रहे हैं कि न सिर्फ उसकी रचना प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी, वहां के त्योहार और हम आगे और देखेंगे जो बलिदान चढ़ाए जाते वे भी प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते थे। और पिछली बार हमने देखा था पहली उपज का त्योहार, और आज हम देखेंगे पहली उपज से करीब 7 सप्ताह गिन लेना, 49 दिन और 50वें दिन पेंतिकोस्त का परिवार रहेगा, पर्व रहेगा। और पेंतिकोस्त का पर्व कलीसिया के आरंभ को बताता है, पवित्र आत्मा के उस हिस्से को बताता है जब वो मनुष्यों पर उतरा और कलीसिया का निर्माण हुआ। पतरस उस दिन प्रचार कर रहा था, 3,000 लोग, फिर उसके बाद 5,000 लोग, फिर वो कर्नेलियस के घर में सारा घराना। और आज तक पवित्र आत्मा का जो कार्य आरंभ हुआ वो समाप्त नहीं हुआ। और देखें प्रभु के कारण आज करीब 450 करोड़ दुनिया का 2/3 हिस्सा, 160 कंट्री से ज्यादा मसीह लोग हैं। ये पवित्र आत्मा का काम जो आरंभ हुआ था वो ऐसा विस्तार पकड़ लिया। और इसका वर्णन जो है मूसा को प्रभु ने कहा, निर्गमन की पुस्तक और लेवी व्यवस्था के पुस्तक में, लेवी व्यवस्था में से वो हिस्सा पढ़ रहा हूं, 23वां अध्याय लेवी व्यवस्था की पुस्तक का उसका 15वीं आयत से। और यहां यूं लिखा है लेवी व्यवस्था 23वां अध्याय 15वीं आयत से, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से अर्थात जिस दिन तुम हिलाए जाने वाली भेड़ के पुले को लाओगे उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मेदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना, वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना, वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्ध समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायी सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1-1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं, वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी और परिश्रम का कोई काम न करना, वह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। और इस पर्व को जो पेंतिकोस्त का 50वां दिन है, पहली उपज से 7 सप्ताह गिनना और 50वें दिन ये पर्व मनाना, और परमेश्वर को नया अन्न बलि पेंतिकोस्त का दिन, जैसा मैंने बताया कि जो आरंभ हुआ वो आज तक जारी है। इसका आरंभ कब हुआ? मूसा के समय, प्रभु यीशु मसीह के समय में कलीसिया का निर्माण, और आज तक ये जारी है, आज तक जारी है। सो ये है प्रभु की महानता,
और जो है प्रभु इसके द्वारा हमें यह सिखाना चाहता है कि प्रभु का कोई भी कार्य जो है मज एक छोटे से क्षण के लिए नहीं, वरन पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए, हजारों साल के लिए प्रभु ने स्थापित किया। सो आए मेरे साथ डिटेल में चलें अपने। सो ये पेंटिकोस का पर्व जो है 50वां दिन इस प्रथम उपज के बाद 7 सप्ताह गिन लेना, और 7 सप्ताह तक उसके बाद 50वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा परमेश्वर के वचन के विषय में तुम प्रचार करना। और देखिए यही पत्रस भी कर रहा था, यही पत्रस कर रहा था। पहली उपज के जो है 50वें दिन वो प्रचार का काम कर रहा था, और जैसे ही प्रचार का काम कर रहा था पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा और करीब 120 फिर 3000 फिर 5000 फिर गांव के गांव फिर कलिसिया कलिसिया समय के हिसाब से, और जैसा मैंने बताया आज कितने लोग 450 करोड़, 750 करोड़ में से 450 करोड़ मसीह है। दुनिया का 2/3 हिस्सा मसीह है। किसके कारण? इस पेंटिकोस के पर्व के कारण, पवित्र आत्मा के कारण, और वो आज भी इतना जीवित। लोग आए और चले गए लेकिन प्रभु के लोग आज भी बने हुए हैं। देखें मूसा के समय से ही आरंभ हुआ और इतने हजार सालों तक चलता आ रहा है। फीस्ट ऑफ वीक्स, फीस्ट ऑफ द हार्वेस्ट, प्रभु ने कहा कि फसल तैयार है, पिता से विनती करो। और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का ये प्रगटीकरण, शायद उन इसराइलियों को इसके बारे में कोई आइडिया ना हो, इसराइलियों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं हो, लेकिन जब पतरस प्रचार करने लगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का आत्मा उतर के आ गया। परमेश्वर का आत्मा, पतरस को भी कल्पना नहीं थी, चेलों को कल्पना नहीं थी कि आज ऐसा होगा। जो लोग इकट्ठा थे उनको नहीं मालूम, वे तो जो है पेंटिकोस का पर्व मानने मनाने उस मंदिर में गए थे, और वहां पर जो है पवित्र आत्मा उतरेगा ये किसी को नहीं मालूम था। लेकिन किसको मालूम था? ये परमेश्वर को मालूम था, ये परमेश्वर को मालूम था। नई उपज का उसके साथ अन्न बलि, उसके साथ मेल बलि, उसके साथ धन्यवाद बलि, ये सब चढ़ाए जाए और परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर ने क्यों बोला ये? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि वो क्या करने जा रहे हैं। और कलीसिया का आरंभ भी हुआ। लगभग मूसा से प्रभु यीशु मसीह को 1500 साल, 1500 और आज देखें 2000 साल, मतलब लगभग 3500 साल में भी इसका महत्व कम नहीं हुआ। आज भी वैसा ही प्रभावी है जैसा वो उस दिन था, जैसा वो आरंभ में था। यह है परमेश्वर की जीवितता, यह परमेश्वर की जीवितता। और परमेश्वर ये बताना चाहते हैं, पेंटिकोस पवित्र आत्मा का दिन, पवित्र आत्मा का दिन, और मूसा के तंबू में ये पर्व का मनाया जाना सारे इसराइलियों के लिए जो है पहली उपज के बाद 7 दिन के बाद, 7 सप्ताह के बाद उन 50 दिन, और 50वें दिन तुम्हारी महासभा, उसमें कोई काम नहीं करना,
और प्रभु के वचन का प्रचार करना, और लोग जो है परमेश्वर के वचन को बाहर जो है ऊंचे शब्द से जो है प्रचार करते रहते थे कि सब लोग सुने सुने। और आज भी इजरायली लोग अपने अपने घरों के सामने इस पर्व को मनाते हैं और परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। तो देखें, पहला पर्व था फसह का, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को बताता था। दूसरा पर्व था अखमीरी रोटी का, जो प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने को बताता था। तीसरा पर्व था पहली उपज का, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताता था। चौथा पर्व पेंटिकोस्ट का था, जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा और कलीसिया का निर्माण आदम के सीने में से प्रभु ने पसली निकाली और उससे हवा को बनाया। प्रभु यीशु मसीह के पसली में से पानी और लहू निकला जिससे उसकी दुल्हन, जिसे हम कलीसिया के नाम से जानते हैं, एकलीसिया के नाम से जानते हैं, तैयार हुई इस पेंटिकोस के लिए। ये प्रभु का अनुग्रह, ये प्रभु की दया है और हम सब इसमें शामिल हैं। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपकी जो प्रतिज्ञा, आपके वचन इतने सामर्थ्य, प्रभु आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन आपकी कही हुई बात का एक अक्षर, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि वो पेंटिकोस का पर्व, जिसकी आज्ञा आपने मूसा और इजराइलियों को दी थी, वो आने वाली कलीसिया को, जो आपसे उत्पन्न होने वाली थी, उस विषय में प्रकट करती थी। प्रभु आज आप हमें समझाते हैं, हम अपने आप को धन्य मानते हैं प्रभु, उन रहस्यों को प्रकट करने के लिए, अपने आप को शरीर प्राण आत्मा समेत आपको समर्पित करने। हमारा जीना ही मसीह है, मरना लाभ है। और प्रभु जब तक इस पृथ्वी पे रहे, आपके कहलाते रहे, आपके वचन से जुड़े रहे, आपके नजदीक प्रार्थनाओं में जुड़े रहे, आपकी आराधना करते पाए जाए, आपकी गवाही देते पाए जाए, आपको धन्यवाद देते हुए पाए जाए, और प्रभु ये हमसे उसी दिन अलग हो जिस दिन हमारी मृत्यु। प्रभु फिर से अपने आप को आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, आमीन और फिर आमीन। Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.